योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारंभ पंडित गोपाल भार्गव कैबिनेट मंत्री ने किया। प्रदेश सरकार महिलाओं के विकास के लिए चला रही है कई योजनाएं। मंत्री गोपाल भार्गव गड़ा कोटा। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित सामग्री का प्रदर्शनी एवं स्वरोजगार चेक वितरण का कार्यक्रम नटराज ऑडिटोरियम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार नित्य नई योजनाएं ला रही है। इन योजनाओं से लाभान्वित होकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना शासन की अहम मंशा है तथा जन कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का सपना साकार हो रहा है। अब महिलाएं शून्य से शिखर तक रास्ता खुद ब खुद तय कर रही हैं और किसी भी कार्य क्षेत्र में महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। आजकल की महिला आजीविका समूह के माध्यम से सशक्त और आत्मनिर्भर बन देश में उन्नति एवं प्रगति का मार्ग भी लोगों को सिखा रही हैं तथा शासन की योजनाओं का लाभ भी की जानकारी भी लोगों तक जन जागरूकता के माध्यम से पहुंचा रही हैं। बेटियों को शिक्षित करें क्योंकि सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। पोषण आहार एवं मध्याह्न भोजन का काम भी महिलाओं के हाथों में फिर से दिया जाएगा। गरीबों के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मंत्री भार्गव ने कन्या पूजन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम प्रभारी एवं सामुदायिक विकास अधिकारी हेमलता चौबे ने मंत्री गोपाल भार्गव को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा भेंट कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में स्व सहायता समूह का बैंक ऋण चेक प्रदान किए गए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार योजना, स्व सहायता समूह ऋण योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं पीएम निधि योजना के हितग्राहियों को 2,15,40,000 रुपए के ऋण मंजूर कर हितग्राही को योजना का लाभ दिया गया। अभी तक तो हमारा ग्रामीण आजीविका मिशन चलता था, 8-10 वर्षों से हमारे इस क्षेत्र में भी चल रहा है और पूरे प्रदेश में भी चल रहा है और उसके माध्यम से हजारों महिलाओं को क्षेत्र की काफ़ी काम मिला है और उनके जीवन स्तर में काफ़ी उत्थान हुआ है। आर्थिक रूप से भी वो काफ़ी समृद्ध हुई हैं, परिवार समृद्ध हुआ है। आज मुझे कहते खुशी है कि यही योजना जो है आजीविका की हमारे नगरी क्षेत्र में शुरू हुई है। आज गड़ाकोटा नगर से इसका शुभारम्भ हुआ है गांधी जयंती के अवसर पर और लगभग 228 लाख रुपए के करीब की इसमें ऋण राशि का या अनुदान का इसमें वितरण हुआ है। अभी मैंने स्टॉल देखा तो उसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को या फिर और दूसरे आइटमों के लिए महिला समूह ने बनाया है। इनके लिए व्यवस्था करूंगा कि नगर पालिका के जो खाली भवन या कमरे हैं तो उन कमरों में इनके लिए हम निःशुल्क या कुछ भी प्रतीकात्मक राशि देके और वहाँ पर इनको हम व्यवस्थित करें रोजगार की व्यवस्था। एक एक कमरे में 3-3, 4-4 समूह यदि बैठ के और अपने अपने उत्पाद का विक्रय करेंगे तो मुझे लगता है कि बस स्टैंड पर धीरे धीरे यह काफ़ी लोकप्रिय हो जाएगा। और जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी हाट बाज़ार बनवाए थे तो ऐसे हाट बाज़ार नगरीय क्षेत्रों में इनके लिए अलग से बनवाए।